नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MC Excure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है एल्गो क्रैब। एल्गो क्रैब के थ्रू दोस्तों हम अलग अलग ब्रोकर्स के साथ एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आ पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर अपना अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों, हमें जाना होता है algocrab.com की वेबसाइट पर। जब हम algocrab.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें इस तरीके की वेबसाइट दिखाई देगी। वहाँ पर हमें ऊपर ही ऊपर साइन अप का बटन दिखाई देगा। जब हम साइन अप का बटन दबाएंगे तो ये एक फॉर्म हमारे पास आएगा, जिसमें हमें अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। जब आप पासवर्ड को डाल के साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो और खुलेगी आपके पास, वो आपको आपके जीमेल के अकाउंट के तक रिडायरेक्ट करेगी, और वहाँ पर जाके आपको अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई के लिए आपको एक मेल आएगा। अगर आप जीमेल के अलावा कोई और अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपके पास एक मेल आएगा आपकी मेल आईडी पर, उसको आपको जाके वहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाता है। अब दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं अपना अकाउंट को यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा क्या आता है जब हम अकाउंट लॉगिन करते हैं। दोस्तों ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया, और लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास एक डैशबोर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है। दोस्तों इस स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स अभी तक हमने कितने कैप्चर करे हैं, तो वो हैं दोस्तों 54,972 सिग्नल्स। और अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों वो हमने गेन किया है 6,39,510 पॉइंट्स। ये दोस्तों किसी भी एक सिंबल का प्रॉफिट नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी हमारे पास सिग्नल आए उन सब सिग्नल्स का मिला जुला प्रॉफिट है। तो इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि कितने परसेंट एक्यूरेसी हमारे को मिल रही है, यानी कि एक्यूरेसी के लेवल की भी अगर बात करें तो सीधे हाथ पे आपको एक्यूरेसी का लेवल दिख जाता है, जो है 49%। आप 49% एक्यूरेसी के लेवल में, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये ओवरऑल सिग्नल्स की एंड ओवरऑल सारे के सारे जितनी स्ट्रैटेजी हमारे पास अवेलेबल है उन सब स्ट्रैटेजीज़ पे और सारे के सारे सिंबल्स में है। अब यहाँ क्या होता है कि दोस्तों कुछ सिंबल जो होते हैं उनमें अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती, वहीं कुछ सिंबल्स में बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। इसको जानने के लिए भी दोस्तों हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, आपको बहुत ही अच्छी एक चीज़ दी है, जिससे आप यूज़ करके चेक कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी में कौन से सिंबल में अच्छा काम हो रहा है, और आप सिर्फ उन्हीं सिंबल्स को चूज़ कीजिए दोस्तों जिसमें आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है प्लेटफॉर्म पे, वो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है और सिंबल को किस तरीके से यूज़ करना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जाना होता है ऑथेंटिकेशन के पेज पर। ऑथेंटिकेशन के पेज पर जब आप जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें चूज़ करना होता है एक ब्रोकर। यहाँ पर हमने 10 से ज़्यादा ब्रोकर्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं जिसके पास आपका अकाउंट है। अगर इन ब्रोकर्स में से आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आप LIC Blue में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर LIC Blue का अकाउंट यूज़ करता हूँ, आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हो, हर अकाउंट के हिसाब से आपको क्रेडेंशियल्स डालनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए मैं LIC Blue का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले डालना होगा अपना क्लाइंट आईडी, जो भी मेरा क्लाइंट आईडी है उसको डालने के बाद मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे मुझे एक टोस्ट दिखाई देगा, क्रेडेंशियल अपडेटेड सक्सेसफुली का। उसके बाद मेरे को क्लिक करना होगा दोस्तों गेट एक्सेस टोकन पे। तो जब मैं गेट एक्सेस टोकन पे जाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा कि अपना LIC Blue का आईडी डालिए। दोस्तों हम कोई भी क्रेडेंशियल्स किसी भी ब्रोकर की सेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे खुद ही ये पॉपअप पेज में आने के बाद अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालूंगा ये मुझसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर पूछ लेगा। तो जैसे ही मैं सब चीज़ें ठीक डालूंगा और सब चीज़ ठीक रहेंगे तो हमें वापस ये इसी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा। अगर ये हमें वापस इसी वेबसाइट पे लेके आ जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है और ऑथेंटिकेशन हो गया। अब हमें एक बार फिर लेकिन क्रॉस चेक करना होगा, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेट टोकन पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। वैलिडेट टोकन पे क्लिक करने के बाद पता चल गया हमें टोकन वैलिड है। सिर्फ यही काम हमें डेली दोस्तों करना है मार्केट खुलने से पहले, 8:30 से 9 के बीच में आप ये काम कर सकते हैं। आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है और वैलिडेट टोकन पे जाके चेक कर लेना है कि वैलिडेट हो गया या नहीं हो गया। अगर वैलिडेशन में आपको टोकन वैलिड लिखा आ जाता है, दैट मीन्स आपका टोकन मिल गया है। आज के लिए आप 24 आवर्स तक अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इसमें
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर डेली ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं वो 24 आवर्स के लिए ही एक्सेस देते हैं और 24 आवर्स के बाद वो एक्सेस ले लेते हैं, यानी कि टोकन एक्सपायर हो जाता है, उसकी वजह से अगले दिन ट्रेड नहीं होता। तो ये डेली आपको करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है आपको यहाँ पर आके डेली ये काम करना। तो गेट एक्सेस टोकन का दोस्तों मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से काम करता है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप कोई भी ब्रोकर चूज़ करके कर सकते हो। उसके बाद का काम शुरू होता है दोस्तों। अब दो तरीके के दोस्तों यहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस आती है, एक होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती। कुछ लोग चार्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोगों को चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो जो लोग चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारे MT4 ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिजिंग का टूल भी है और ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो, और भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती दोस्तों, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर एक टैब आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में, एल्गो के टैब में, उस टैब का नाम है स्ट्रेटजी टैब। स्ट्रेटजी टैब में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें मिलती हैं जैसे डैशबोर्ड, कस्टमाइज स्ट्रेटजी, सिग्नल्स, परफॉर्मेंस, हीट मैप, ट्रेड हिस्ट्री। इन सब के बारे में दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। डैशबोर्ड में आपको दोस्तों वही 6 स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं जो स्ट्रेटजीज हमने आपको अभी दिखाई थी। जब हम डैशबोर्ड पर आए थे तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजीज आई थी, ईगल ट्रेडिंग सिस्टम, इंट्रामैक्स, सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम, मनी मशीन ट्रेडिंग सिस्टम, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, जिंगारा, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। इनके प्राइसिंग भी लिखे हैं, ये पर मंथ के प्राइसिंग है, इनको पे करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6 दिन का ट्रायल, तो आप सबसे पहले ट्रायल में चेक कीजिए किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अगर आपको प्लेटफॉर्म पसंद आता है तो ही आप प्लेटफॉर्म को परचेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसमें किस तरीके से, डैशबोर्ड के टैब की हमने बात कर ली, कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब पे मैं दोस्तों सबसे लास्ट में आऊँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों व्यूअर्स से मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप तभी आपको समझ में आएगा कि एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सिग्नल्स का एक टैब है, जो सिग्नल्स का टैब है उसमें दोस्तों हमें दिखाई देता है कि अभी जो रनिंग सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर देखिए जो हमें ऊपर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमें यहाँ पर एक सिलेक्ट करनी होगी एक स्ट्रेटजी, कोई भी एक स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मूविंग एवरेज सबसे कॉमन स्ट्रेटजी है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी तक कौन से सिग्नल्स हैं जो रनिंग में चल रहे हैं, जो रनिंग में चल रहे हैं। जैसे फेडरल बैंक का यहाँ पर आप देखो रनिंग में चल रहा है, 25 पैसे प्रॉफिट दे रहा है, पेट्रोनेट का आपका चल रहा है, 75 पैसे का लॉस दे रहा है। इस तरीके से ये सिग्नल्स अभी चल रहे हैं जो कि चलते रहेंगे जब तक नया ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। तो रनिंग सिग्नल्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको सिग्नल्स के टैब में जाना होता है, और सिग्नल्स के टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी का नाम सिलेक्ट करना होता है। कोई भी स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सुपर ट्रेंड में करूँगा तो ये दिखा रहा है सुपर ट्रेंड में कौन से रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं, और जब भी नया सिग्नल आएगा, जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो उसके हिसाब से ये पोजीशंस को रिवर्स करके उसके हिसाब से सिग्नल्स दिखाने शुरू कर देगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे टैब पे। दूसरे टैब का नाम है दोस्तों परफॉर्मेंस टैब। परफॉर्मेंस टैब भी स्ट्रेटजीज के सेक्शन में मिलता है। यहाँ पर हम किसी भी सिग्नल की, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं मनी मशीन की स्ट्रेटजी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि आज के आए हुए 200 सिग्नल में 791 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और 56% एक्यूरेसी आई, यानी कि 200 सिग्नल्स में कितनी एक्यूरेसी आई वो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। ये दिखा रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन कौन से सिंबल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्लोज सिग्नल हो जाते हैं कई बार, प्रॉफिट लॉस ये क्लोज के जो सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है वो 200 डे एंड पे क्लोज हो जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों तक मार्केट नहीं पहुँच पाता और क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर वो क्लोज के सिग्नल्स दिखा रहा है। कुछ टैग पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा TP1, TP1 का मतलब होता है यहाँ पर टारगेट वन, और कुछ टैब में मिलेगा दोस्तों आपको देखने को SL, SL यानी कि स्टॉप लॉस। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है परफॉर्मेंस के टैब में। सिंबल वाइज परफॉर्मेंस देखनी हो तो किसी भी सिंबल पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिस भी सिंबल पे आप क्लिक करेंगे उसके बारे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करूंगा तो बैंक निफ्टी के 200 सिग्नल में बता रहा है दोस्तों 4453 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और 67.50% एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आई। आज का जो सिग्नल था दोस्तों वो लॉस करके गया है, और कल का जो सिग्नल था वो दोस्तों प्रॉफिट करके गया है, उससे पिछले दिन भी प्रॉफिट करके गया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी कि कितने पॉइंट का किस ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस आपको हो रहा है। तो दोस्तों ये था परफॉर्मेंस का टैब, जहाँ पर आप हमारी पास्ट परफॉर्मेंस, हमारे सिग्नल्स की पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बहुत दोस्तों आपको बहुत खास बताना चाहूँगा कि कोई भी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला बंदा, कोई भी जो आपको प्रोवाइडर है वो ये सारी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म में नहीं देता, क्योंकि इससे दिखाने से पता चल जाता है कि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेकिन हम सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट
रखते हैं हम, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाते हैं, आप यहाँ से देखिए, अगर आपको प्लेटफॉर्म पसंद आए तभी आप परचेज़ कीजिएगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, किस तरीके से आपको एक सिंबल को सिलेक्ट करना है ये चीज़ आपको सीखनी होगी। इसको सीखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें जाना होगा हीट मैप के टैब में। अब हीट मैप के टैब पे जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है। कुछ इंट्राडे स्ट्रेटजीज हैं, वहीं कुछ पोजिशनल स्ट्रेटजीज हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मनी मशीन की स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है, तो मैं मनी मशीन की स्ट्रेटजी पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं मनी मशीन की स्ट्रेटजी पर ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन से सिंबल हैं जिसमें 60% से अबव एक्यूरेसी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 62-62% के आसपास की एक्यूरेसी कब का निकल के आ रही है, किसी में 65% की, किसी में 70% की। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है 75% की एक्यूरेसी आ रही है, गोल्ड मिनी में 73% की एक्यूरेसी आ रही है। जो कमोडिटी के लवर्स हैं वो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, और जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो भी इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अब आप किसी भी सिंबल पर अगर क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर चार्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि कितने सिग्नल्स आए और कितने सिग्नल्स में क्या क्या हुआ। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी भी एक सिंबल पे क्लिक करना चाहूँ, जैसे मैं टाटा मोटर पे चाहता हूँ, तो मैं टाटा मोटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टाटा मोटर के सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि इसने बताया कि टोटल 64 सिग्नल्स आए हैं टाटा मोटर के, 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 71.88% एक्यूरेसी हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो अगर हमें लगता है कि टाटा मोटर हमारे लिए अच्छा स्टॉक है, अच्छा फ्यूचर साबित हो सकता है, तो हम टाटा मोटर के सिंबल को ले लेंगे। उसी तरीके से दोस्तों हम हीट मैप के सेक्शन में ये देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स में हमें, आप अगर एक सिंबल में करते हैं तो आप एक सिंबल चूज़ कीजिए। आप चाहें फ्यूचर में करना फ्यूचर में करिए, कैश में करना चाहें कैश में करिए, वो सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। वो किस तरीके से करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको हम देखेंगे, और देखने के बाद आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो प्रॉपर वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेड हिस्ट्री का एक सेक्शन है, वहाँ पर हमें दिखाता है कि कौन कौन सी हमारी ट्रेड हमारी तरफ से लगी हैं, कौन कौन सी ट्रेड हमारी तरफ से गई हैं। तो ये ट्रेड हिस्ट्री का टैब है, यहाँ पर दोस्तों ये सिग्नल यही बताता है कि हमारे द्वारा भेजे हुए सिग्नल्स आपके ट्रेडिंग टर्मिनल तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो अगर वो पहुँचे तो यहाँ सक्सेस लिखा आएगा, और नहीं पहुँचे तो यहाँ पे फेल लिखा आएगा। अगर हमने ऑथेंटिकेट नहीं किया अपने आप को डेली, तो यहाँ पे फेल लिखा आएगा दोस्तों, और अगर हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है और ट्रेड परफेक्टली गया तो यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आएगा दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेटजीज के टैब के दोस्तों नीचे ही आपको एक चीज़ और मिलती है, वो है ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक। ये जो ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक है दोस्तों, ये आपके ब्रोकर से कनेक्टेड है, यानी कि आपके ब्रोकर पे कौन कौन से ऑर्डर डले हैं और कौन कौन सी ट्रेड डली हैं, उन ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन ये देता है दोस्तों। आज मेरा कोई ट्रेड नहीं डाला, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक दोनों में नो ट्रेड्स बता रहा है, तो मेरा कोई ट्रेड यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये मुझे कोई ट्रेड नहीं बता रहा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं कि हमें किस तरीके से सिंबल लगाना होता है। तो दोस्तों सिंबल लगाने के लिए हमें जाना होगा कस्टमाइज स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पर देखो कस्टमाइज स्ट्रैटेजी पे मेरे दो तीन सिग्नल ऑलरेडी लगे हुए आ रहे हैं, मैंने स्टार्ट नहीं करे हुए। अब मैं यहाँ पे आके बताता हूँ आपको क्रिएट सिंबल पे जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। सबसे पहले स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी होगी, ईगल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पे चाहता हूँ तो ईगल ट्रेडिंग कर सकता हूँ। उसके बाद हमें लिखना होगा सिंबल का नाम, जैसे मान लो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे SBIN, ठीक है। SBIN लिखने से हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स के बारे में पता लगेगा। अभी ये देखिए SBIN लिखने से यहाँ पर SBIN आ गया, ऊपर वाला जो सिंबल है वो SBIN का सिंबल है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसने हमें बताया कि ये एक्सचेंज है और ये इसका कोड है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये SBIN जो हमने लगाया ये कैश का सिंबल है, अगर हमें फ्यूचर लगाना है तो हमें लिखना होगा SBIN DECFUT। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो SBI के दिसंबर फ्यूचर का ये आ गया, मान लीजिए SBI दिसंबर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ होगी दोस्तों कि हमें रेगुलर ऑर्डर लगाना है और ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है और कवर ऑर्डर लगाना है। जो भी हमें कोई सा ऑर्डर लगाना है उस ऑर्डर के टैब पे हम यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप के अंदर क्लिक कर देंगे। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर के बारे में मैं अभी तो आपको दोबारा से क्लियर करूँगा, फिलहाल हम रेगुलर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर हमें ईगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें तो MIS करना होगा हमें, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी है, नॉर्मल में नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ पे फ्यूचर में क्वांटिटी लिखनी होगी जितने उसका लॉट साइज होता है। जैसे 3000 का लॉट साइज है तो हमें यहाँ 3000 लिखना होगा, ना कि 1। अगर हम कमोडिटी में करते हैं तो 1 लॉट के लिए हम 1 लिखेंगे, अगर हम इक्विटी में करते हैं तो भी हम जितने भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स करने हैं उतने ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम NFO यानी कि फ्यूचर्स में करते हैं, NSE फ्यूचर्स में करते हैं तो हमें लॉट क्वांटिटी लिखनी होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी करते हैं तो 25 लिखना होगा, निफ्टी करते हैं तो 75 लिखना होगा, वहाँ पे 1 लिखेंगे तो ट्रेड नहीं होगा। ये चीज़ दोस्तों आपको खास याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3000 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है और टारगेट देना है। स्टॉप लॉस पे टिक किया हुआ है मैंने और टारगेट पे टिक किया हुआ है।
अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि स्टॉप लॉस परसेंटेज में चाहिए, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कितने परसेंट का टारगेट वन है, कितने परसेंट का टारगेट टू है और कितने परसेंट का टारगेट थ्री है, वहीं लिखा हुआ है यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने परसेंट का होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, उसके हिसाब से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जो ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में कर रहा था मैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ब्रैकेट ऑर्डर चूज करते हैं तो ये हमारे जो नीचे के टारगेट्स हैं ये काम नहीं करेंगे, ये ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने हिसाब से ब्रैकेट ऑर्डर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम एस बी एन करते हैं और हमें एक पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक पॉइंट का टारगेट चाहिए सिग्नल आने के बाद, तो यहाँ पर हमें 1-1 लिखना होगा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको खास बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो सिग्नल जब आएगा ईगल ट्रेडिंग सिस्टम में तो ये इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड डाल देगा और लिमिट ऑर्डर डाल देगा आपका। अगर वो प्राइस मार्केट में आता है तो आपका ऑर्डर हो जाएगा और स्टॉप लॉस टारगेट भी ब्रैकेट ऑर्डर के हिसाब से आपका ब्रोकर मैनेज करेगा। हमारा काम यहाँ से सिर्फ इतना होगा कि सिग्नल आने पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। वहीं अगर आप कवर ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो कवर ऑर्डर में यहाँ पे सिर्फ आपको स्टॉप लॉस डालने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कवर ऑर्डर में सिर्फ स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं। मैं रेगुलर पे करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद ये नया एक टैब यहाँ पर एस बी आई दिसंबर फ्यूचर का आ गया। अब मुझे अगर इसको स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दूँगा। स्टार्ट करने से ऐसे बटन दबाने से रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर कोई भी ट्रेड जब भी आएगा एस बी आई फ्यूचर में तो तुरंत आपका ट्रेड यहाँ पर ले लेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, वो यही करना है आपको एवरी डे दोस्तों, डेली के डेली आपको यहाँ पर अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं किया तो आपका ट्रेड नहीं होगा उस दिन के लिए। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको परेशानी ना हो और आपकी ट्रेड जो है वो परफेक्टली काम करती रहे। तो दोस्तों ये था एल्गो क्रैब का स्ट्रेटजी का सेक्शन कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सिंबल में देख सकते हैं कि कौन से सिंबल कौन सी स्ट्रेटजी में अच्छे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 6 दिन का ट्रायल ले सकते हैं और उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि ब्रिज टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और उससे अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें खास हैं जो आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।